कार्यदायी संस्था द्वारा हो रहे जमुआन स्थित शिव मंदिर सुंदरीकरण का कार्य अधूरा। 18 माह का कार्य 3 वर्ष में भी नहीं हुआ पूरा। कई बार शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिया गया आवेदन जांच होने के पश्चात भी नहीं होता पूरा कार्य। जनपद कुशनगर के विकास खंड दुधई अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसगांव जमुआन शिव मंदिर पर सुंदरीकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना वर्ष 2020-21 के तहत हो रहा था, जो कि कुल लागत राशि 1,24,22,000 था और कार्य का समिति समय 18 माह था, जो कि आज 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी सुंदरीकरण का कार्य अधूरा है। शिव मंदिर के प्रांगण में बने धर्मशाला में लगे खिड़की रोशनदान में फाटक नहीं और शौचालय में दरवाजा न होने से दूर दराज से आए श्रद्धालुओं एवं साधु संतों के लिए विश्राम करने और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। और तो और मंदिर के मेन गेट पर भी दरवाज़ा नहीं है, जिसके वजह से बाहरी छोटे मोटे जानवर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर रह रहे महंत विजय निषाद ने और कहा, आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। और यहाँ पर ये शंकरगंज जमुआन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे बहुत पुराना शंकर जी का स्थान है और इन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया शंकरगंज। और यहाँ पे कार्यदायी संस्था द्वारा ये पास हुआ है मंदिर निर्माण 2020 में और लागत है 1,24,22,000 रुपये की लागत से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ और महज 18 माह में इसको पूरा कर देना था। जो आइए इनसे सर्वप्रथम पढ़ते जाने का प्रयास करेंगे। आपका मेरा नाम विजय कुमार निषाद है। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या मामला है यहाँ का, जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मंदिर का मामला ये है कि 2020 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1,24,00,000 की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसको कार्यदायी संस्था को भी लेकर बनाने के लिए जिसको 18 माह में यानी 1.5 साल में पूरा करना था, लेकिन 1.5 माह पूरा हो गया। अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। दो बार इसका जांच होता है, अधिकारी आते हैं जाते हैं, जितना भी बार जाते हैं यही आशा दिया जाता है उनकी तरफ से, यह कहा जाता है कि 10 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 साल हो गया। लेकिन ये बताइए कि ये मंदिर का निर्माण बाकी की सब भवन को बना दिया गया, ये कौन सा भवन? ये धर्मशाला है। धर्मशाला धर्मशाला को बना दिया गया, पंखा लग चुका है, लाइट लगा हुआ है उसमें? हाँ, लाइट लग गया, लाइट भी लग गया है। ये बताइए कि यहाँ पे गेट नहीं लगा हुआ है? अभी गेट लगा है, लेकिन खिड़की का दरवाज़ा नहीं लगा, खिड़की का दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। और कहाँ का बता देते हैं गेट नहीं लगा हुआ है? मुख्य द्वार, मुख्य द्वार का देखिए चचरा लगा हुआ है, हम लगाए हैं, जानवर आ जाते हैं। इसमें जो इंजीनियर इसका था वो कह रहा था कि इस्टीमेट में नहीं है। अच्छा, इंजीनियर कहना है कि इस इस्टीमेट में नहीं है कि इसमें गेट भी लगवाएगा? नहीं लगवाएगा। ये बताइए कि मंदिर का पूरा निर्माण के लिए जब पैसा पास हुआ होगा तो क्या उसके लिए गेट के लिए अंदर अलग से पास करवाना पड़ेगा और जंगला खिड़की के लिए अलग से पास करवाना पड़ेगा? जब कंप्लेन किए थे महाराज जी के पास स्पीड कोर्ट से हमने, 10वां महीना में महाराज जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पास जब लेटर लिखा तो जांच में आए थे जिलाधिकारी महोदय 5 दिसंबर को रमेश रंजन जी ने, उन्होंने आया तो यहाँ तुरंत तो अभियंता धर्मेंद्र मणि कहने लगा कि नहीं इस्टीमेट में गेट है, उस समय कहने लगा और उसके बाद फिर साइलेंट हो गए हैं, सब लगवाना नहीं चाहते हैं, काम कराना नहीं चाहते हैं। मैं दरखास्त लिखते लिखते थक गया हूँ, अभी लास्ट है कि अमरण अनशन करना पड़ेगा। आइए थोड़ा हम लोग शौचालय जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जो भी अतिथि आएंगे और जिनके लिए मतलब मुख्य यही जगह है कि अगर रात बिरात कोई अगर दूर दराज से कोई अगर पूजनीय कोई ब्राह्मण भी आ गया और इस मंदिर में तो रात में कहाँ जाएगा? अगर शौच ही लग गया तो कहाँ जाएगा? ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, खुला दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक ना ही तो इसका फाटक लगा हुआ है, ना ही तो इसमें कोई पानी टंकी की व्यवस्था हुई है, ना ही तो ये शौचालय सही तरीके से पूर्ण रूप से चालू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाटक लग जाएगा तभी तो चालू होगा। फाटक लगने के बावजूद भी देखिए इसमें गंदगी जितना पड़ा हुआ है, सफाई तो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है इसमें। उधर संत निवास है उसमें भी ऐसा फाटक नहीं लगा है, जो बाथरूम है उसका
उसमें भी नहीं लगा हुआ, उसमें भी नहीं आइए उसके भी दिखा देते हैं। जो मुख्य मंदिर है उसमें देखिए कि जानवर इस तरह चले जाते हैं। और दूसरा चीज, ये लोग भ्रष्ट अधिकारी, ये लोग चाह रहे हैं कि पैसा को दबा लें, हड़प लें, पर जो भी आती उनके राज्य में ऐसा होना संभव नहीं है। यहाँ देखिए जो मुख्य मंदिर है वहाँ भी गेट में कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ, आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए भैया,